हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं हाइपोटेक। आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे पांच धमाकेदार टेक गैजेट्स दिखाने वाला हूं जो कि आपको यूज़ करने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए बिना बदला वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, इससे हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। हमारा जो पहला गैजेट है ना, वो एक सोलर पावर बैंक। ये एक सच में सोलर पावर बैंक है और अच्छी तरह से काम करती है। करीब अमेजोन में 2000 रुपीज़ के आसपास मिल जाएगी ये पावर बैंक ऐसी कुछ। और ये जो पावर बैंक है ना, वो 7000 mAh की कैपेसिटी वाली पावर बैंक है, तो मेरे आईफोन को 3 बारी आराम से चार्ज कर देती है। और ऐसा नहीं है कि जस्ट आप इसे सनलाइट से ही चार्ज कर सकते हो, आप इसे डायरेक्ट पावर दे के भी चार्ज कर सकते हो, अपने यूएसबी केबल को प्लग इन करके भी चार्ज कर सकते हो। तो वैसी कुछ है पावर बैंक, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती थी पावर बैंक, तो मैं पहले इसे बहुत यूज़ करता था, बट अभी इसे मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ। बट आप कोई भी ट्रैवलिंग करते हो ज़्यादातर, तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी ये पावर बैंक, क्योंकि जैसे ही हम इसे सनलाइट में रखते हैं ना, वैसे ही ये चार्ज होनी स्टार्ट कर देती है ऑटोमेटिक, और हम जब भी चाहे उसे हम यूज़ कर सकते हो। हमारा जो अगला गैजेट है लिस्ट में, वो है एक डिजिटल नोट पैड, मतलब कि ई नोट पैड। ये जो नोट पैड है ना, उसके साथ आपको एक इलेक्ट्रॉनिक स्लेट मिल जाती है, और यहाँ पे आपको एक स्टाइलस पेन भी मिलती है। ये कुछ मैग्नेटिक तरीके से काम करता है, और यहाँ पे आपको इसमें एक सेल डालना पड़ता है, और यहाँ पे आप जो को भी ड्राइंग करना चाहते हो या फिर कोई भी रेफर करते हो नोट पैड की तरह इसे यूज़ करना चाहते हो ना, तो आपको ये डिजिटल नोट पैड मिल जाती है। आप जो को भी काम करना चाहते हो वो यहाँ पे आप कर सकते हो, और बाद में उसका काम ख़त्म होने के बाद यहाँ पे आपको एक इरेज बटन भी मिलता है, वो प्रेस करने से ये सब कुछ डेटा है ना वो इरेज हो जाता है। तो कुछ मैग्नेटिक तरीके से काम करता है, और मुझे तो बहुत ही कूल लगता है ये जो नोट पैड है ना वो। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर जाकर इसे खरीद सकते हो। हमारे लिस्ट में अगला जो गैजेट है ना, उसका नाम है ब्लूटूथ शॉक प्रूफ स्पीकर। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्पीकर पड़ा है ना, वो शॉक प्रूफ स्पीकर है। तो स्पीकर की खासियत ये है कि ये शॉक प्रूफ है, मतलब कि हम इसे अगर गिराएंगे ना तो अभी इसे कुछ नहीं होगा। इसकी जो क्वालिटी आती है ना, वो बहुत ही बढ़िया आती है। और यहाँ पे ये जो स्पीकर है ना, वो वाटरप्रूफ मिलता है, साथ ही साथ ये डस्ट प्रूफ भी मिलता है, तो अपने ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और बात करता हूँ कि ये स्पीकर किस कंपनी का है, तो ये स्पीकर मुझे एनवेट कंपनी की ओर से मिला था, और आपको मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्पीकर मिल जाते हैं, छोटे बड़े साइज़ में भी मिल जाते हैं, जो कि 1000 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं, और ये जो स्पीकर है वो तो 2000 रुपीज़ वाला है। तो अगर आप वो भी स्पीकर लेना चाहते हो 1000 रुपीज़ वाला, तो आप ले सकते हैं। एंड अब बात करें इसकी साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी इसमें आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाती है। इसमें आपको 10 वोट का स्पीकर मिलता है, और जो छोटे वाले स्पीकर आते हैं ना, उसमें आपको 5 वोट का स्पीकर मिलता है। हमारा अगला जो डिजाइन है, वो एक स्माइली ग्लासेस। इसकी खासियत ये है कि जैसे ही मैं इसे बाहर पहन कर जाता हूँ ना, तो सामने वाला आदमी बहुत ही स्माइल करता है, और वो स्माइल करता है तो मैं स्माइल करता हूँ, मैं स्माइल करता हूँ तो आप स्माइल करते हो। तो इसकी कुछ वैसी कुछ एक खासियत, और आप इसे पार्टी में पहन के जाते हो ना, तो आप बहुत ही कूल लगोगे। जस्ट मजाक कर रहा हूँ। तो आपको ये लुक पसंद आया तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब बटन भी प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही कूल वीडियोस लाते रहते हैं। हमारा जो लास्ट गैजेट है ना, वो है मीवी की ओर से मीवी M20 डियो पोर्ट्स। हम सभी लोग जानते हैं कि अभी जमाना चल रहा है ट्रूली वायरलेस का, तो ईयरफोन रखने में हमें बहुत ही दिक्कतें आती है, क्योंकि उसके वायर है ना वो कट हो जाते हैं और अंदर से ब्रेक हो जाते हैं, तो वो हमें बहुत ही खर्चा करवाते हैं। तो इसके लिए ये है सॉल्यूशन, आप अगर कोई भी ईयरबड्स का यूज़ करते हैं ना ट्रूली वायरलेस वाले TWS वायरलेस, तो आपको ये सब कुछ खर्चा नहीं होगा। और ये जो मीवी की ओर से M20 डियो पोर्ट्स है ना, वो बहुत ही बजट वाले हैं, मतलब बात करो बजट की तो 1500 रुपीज़ के आसपास ही आपको मिल जाएंगे, और इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाती है, और साथ ही साथ साउंड क्वालिटी भी आपको अच्छी मिलती है, वॉइस कॉलिंग क्वालिटी भी आपको इसमें अच्छी मिलती है। मैं इसे पिछले करीब 3 महीनों से रेगुलरली यूज़ करता आ रहा हूँ, मुझे तो बहुत ही अच्छे से परफॉर्मेंस मुझे मिल जाते हैं इसमें। और अब बात करता हूँ इसके चार्जिंग टाइम की, तो इस केस को चार्ज करने के लिए करीब 4 से 5 घंटे लगते हैं, और इस केस से ये जो ईयरबड्स है ना, वो आपको 4 बारी फुल चार्ज हो जाते हैं। और अब बात करता हूँ एक चार्जिंग साइकिल में ये ईयरबड्स आपको कितना प्लेबैक टाइम देंगे, तो आपको 70% वॉल्यूम में आपको ये 4 घंटे के आसपास बैटरी बैकअप देते हैं। तो बस यार ये कुछ था आज के वीडियो में। अगर आप इनमें से कोई भी गैजेट को खरीदना चाहते हो ना, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर खरीद सकते हो। और ये सभी के सभी गैजेट्स आपको कैसे लगे, आप कौन सा गैजेट यूज़ करते हो, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको वहाँ पर 100% रिप्लाई दूंगा। तो बस यार जल्दी से इस वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए,
और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि हम ऐसे ही कूल वीडियोस लाते रहेंगे।